नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। हथियार बनाते हुए पकड़े गए अभियुक्त। खबर चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र से, जहां पपड़ो गांव में अवैध रूप से हथियार बनने का वाहन खोल करते हुए एक रिवॉल्वर को तमंचे साथ हथियार बनने के ट्रक से हथियार बना रहे व्यक्ति को दबोच लिया। जानकारी सुना बलुआ थाना क्षेत्र के कंचहनिया चौराहा पर पुलिस ने अपने नियमित गश्त पर थे। इसी बीच मुकदमे की सूचना मिली कि पिपराव बाजार में समीप बगीचे नन्ना जगह पर एक विकृत हथियार बना रहा था। सूचना की हकीकत जानने जब पुलिस पहुंची तो लगातार हथियार बनाने के आरोपित यादव पुत्र रामवत यादव का नाम बदल गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबाकर पकड़ लिया। पकड़ गए अभी तो पूर्व रजिस्टर निरुद्ध किया गया। यही पुरस्कृत अश्रम एक्ट के मुकदमे भी दर्ज किया गया। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई में जुटी हुई है। खास रिपोर्ट अवधेश यादव के साथ। ये बलुआ थाना क्षेत्र में कल चेकिंग गश्त हो रही थी। गश्त के दौरान उप निरीक्षक स्वानंद वर्मा, चौकी इंचार्ज कैलावर और प्रशांत कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज मारूपुर को एक मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति पपौरा के पास झाड़ियों में अवैध अफलाह बनाने का काम करता है। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने जब घेराबंदी की तो एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पकड़ा गया। उसके पास से अवैध अफलाह बनाने के औजार उपकरण बरामद हुए तथा दो तमंचे बरामद हुए और एक रिवाल्वर बरामद। अभियुक्त के खिलाफ 5/25 आम साहब का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त अरविंद यादव, जो महागांव थाना बलुआ क्षेत्र का रहने वाला है और उसके खिलाफ पूर्व के भी मुकदमे हैं, वो तस्करी के गैंगस्टर एक्ट के, जौनपुर से एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इसके खिलाफ पंजीकृत है। कुल तीन मुकदमे इसके खिलाफ हैं, इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जो है आज गिरफ्तार कर दिया गया। सर, इसके पहले भी ये आर्म्स बनाने के काम में सारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। श्रावस्थित में सरकारी अस्पताल से आए मानवता का श्रमसर करने वाली तस्वीर। अस्पताल से बाहर सुरक्षित रही गर्भवती महिला नहीं पहुंची एएनएम। अस्पताल के बाहर गर्भवती महिला ने दिया बच्चे को जन्म। एएनएम के पति सीमा दादेव को भगाया गया, कहा मरती है तो मरने दे, नहीं जाएंगे एएनएम। एएनएम के पति ने दाई को भी नहीं जाने दिया, बोला अस्पताल में हूँ मालिक। मामला देर रात उप स्वास्थ्य बहादुर पुरवा का है। परिजनों ने जब शिकायत सेवों से की तो सेवों द्वारा बताया गया कि उसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट एसीएमओ को हमने मार कर दिया है। जांच करने से जो भी दोषी होगा उसका सजा मिलेगी। सर, कुछ घर पे भी पता लगता है कि जो घर पे डिलीवरी करवाने के लिए सर आएंगे उनका होगा, सेंटर पे नहीं होगा तो फिर सेंटर चलाने से क्या फायदा? सर, उस पर क्या कहेंगे? अब इसका हम जांच करवाएंगे, पता करेंगे क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। हथियारों ने दिया खूनी खेल का अंजाम, पति हुआ घायल, पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। श्रावस्ती में हथियारों ने खूनी खेल के तांडव कर रहे हैं। घर में सो रहे थे दीप्ति पर हमला करते हुए पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई तो वहीं पति की जख्मी कर फरार हो गए। घटना श्रावस्ती के जिले के कोतवाली भिनका क्षेत्र के कले ककरा गाँव का है, जहाँ पर गाँव से खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे दीप्ति की देवी उनके पति गुड्डू पर हमला कर जानलेवा हमला करते महिलाओं ने उनकी देवी के गला रेत कर हत्या भी कर दी तो वहीं युवक के गुंडाई पर धारदार हथियार से हमला करते युवक को गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। वहीं बच्चों की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को युवक को अनंतानंद में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय बहरेज के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यूपी लाइव न्यूज से भजोखंड की स्पेशल रिपोर्ट। रात में बहुत गाड़ी थी, हम लोग को पता नहीं है कि कौन कौन आपके सर आए। रात में काफ़ी लोग आए हैं, सुबह पूरे लोग आए हैं, देखे हैं, जांच किए हैं, आए हैं, सब कुछ ऐसा है। क्या हुआ अब इसके बारे में तो मुझे हम जानकारी नहीं है कि आपस में हुआ है कैसे हुआ है। अच्छा, हुआ अम्मी पापा के साथ हुआ, सुबह रहते मिला। अच्छा, हुआ साथ रहो सब है तो रोजाना सुबह जाते रहे हुआ कि आज करे खाली आज इन खाली के रहें सुबह। क्या हुआ था रात में? पहले की क्या मारी सर? पहले अम्मा का नाटा एक काट ही था, किसे काटी सर? टिंगारी से काटा। टिंगारी लिया रहा? टिंगारी रहता हूँ, कुछ लिया रहा, टिंगारी एक काटा बना। तो पूरा चिल्ला नहीं रहा फिर? ना चिल्ला नहीं रहा अम्मा, चिल्ला नहीं, तब हम सब उठा हैं, बस लड़को लेके बाहर लुकाए रहे हैं। पति इधर पता रहा। देर रात जो घटना हुई ये कैसे आपको पता चला? क्या नाम है आपका? बाबा हनुमान। अच्छा, अभी कुटी पर रहते हैं। कैसे, क्या घटना, क्या हुआ? 12 बजे आवाज़ आई कि हमको बता लो हाय बाप मर गया। तो हमने कहा कि पहलाद भाई ये आवाज़ हल्ला आ रहा है, तो कोई में क्या हो गया, कोई फसल लगा लिया कि कोई मार कतल कर रहा है, क्या हो रहा है? तो पहलाद ने कहा वो मैदान चले गए थे, वो मैदान से तब तक आ गए, तब तक वो एक बुलेट गाड़ी आ गई। तो वो सब पहलाद या कहाँ गए थे, परीक्षा देने, परीक्षा दे के आए तो कहने यार ये गुड़िया जो है चिल्ला रहा है, चलो देखा जा भैया। बस वहाँ पहलाद और वो बीटीसी गए, वहाँ देखे और वहाँ से अकौरा में लेके आए तो गंभीर हालत में देखे। बस वो एम्बुलेंस को फ़ोन किया और जा कर के पहलाद और बीटीसी अपने गांव में इतला दिया। तो वहाँ से सभी आदमी आकर के इकट्ठा हुआ। इसके बाद में तो सब गाड़ी घोड़ा को फोन किया, सब लोग आए। हम यहाँ से तो हम कहीं गए नहीं। अच्छा, तो कि क्या मतलब औरत को क्या हुआ था? अब उसको मार रहे हैं या पीटे उसको हम नहीं जानते हैं। अच्छा, हम लड़के चिल्ला रहे थे, गुड़े चिल्ला रहे थे तो आवाज़ हम खाली पाए कि ये क्या हल्ला हो रहा। तो गुड़ई को क्या हुआ था, उनको हालत कैसी थी? तब वो जख्म थी उनके। किस जगह पे? ये गर्दना पे बता रहे हैं। अच्छा, गुड़ई के गर्दने पे जख्म थी। हाँ। और कहीं? और कहीं हमने देखा। अच्छा, उनकी बीवी को? उनको तो पहले ही मार दिया, मार के फरार हो गया। मतलब इसमें कोई दूसरा आदमी था? कितने लोग? बच्चे थी। कहाँ का मामला हुआ रहा आपने? हम वहाँ आए रहे, हम ये रहे, जब यह सुन पाओ तब गए। तो आपके मम्मी पापा कहाँ गए थे? गए रहे वहाँ पे तो माटी की का माटी ले गए। अच्छा, रात में कब लौट गए? लौट गए तब नहीं गए थे, आई थी कहीं और तो बताओ तो नहीं कि तो रात में जब हुआ तो कसके पता चला तुम्हें? यह तब हल्ला उड़ा रहा था, हम वहाँ तब गए तो क्या देखते हो? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो घटना हुई है इसके बारे में क्या जानकारी है? घटना भैया पहलाद आए गांव में हम लोग को और पूरा चिल्लाने लगा गांव में कि जो है गुड़ई का मर्डर हो गया है और दुनिया दोनों को मार दिए हैं। कोई पूरा गांव में चिल्ला रहा था, फिर हम लोग पूरा गाँव के लोग और
ये घटना कितने बजे की है? लगभग 1 बजे की है। अच्छा, 1 बजे की? हाँ, 1 सवा 1 बजे ऐसी घटना है। अच्छा, तो गुड़ाई के जो मिसेज को गला रहता गया, क्या हुआ है? अब गला रहता गया तो ये तो पक्का नहीं पता है, मतलब कुल्हाड़ी जैसे लगा है। हाँ भाई जान, उसका मंदिर जो है सड़कों पर बराबर हम लोग देख नहीं पाए। अच्छा, ऐसे मतलब जैसे उल्टा पड़ी थी जैसे भी बात रहा कलमलाए की तो जो जिनका घायल हुए हैं उनको अस्पताल लेके गए? हाँ, उनको अस्पताल तुरंत लेकर के गए। अच्छा, उनको अस्पताल लेकर गए। मैं थाना मिर्जा के ग्राम खाले कक्रा में सूचना प्राप्त हुई कि एक श्री ब्रह्मानंद उर्फ गुड़ई, वो जो कि गांव के बाहर झोपड़ी डाल करके रह रहे थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में, उनको किसी ने धारदार हथियार से उनके साथ मारपीट किया है। जैसे सूचना प्राप्त हुई तत्काल पूरा फोर्स लेकर के हम लोग मौके पर पहुँच गए और जानकारी करने पर पता चला कि ब्रह्मानंद पर जो अटैक हुआ था उसमें उसकी पत्नी की डेथ हो गई है। ब्रह्मानंद को तत्काल हम लोग जिला चिकित्सालय भिनगा ले आए और यहाँ उसका इलाज किया, जिसको बाद में बाहर एक्सरे कर दिया गया। इस संबंध में उसकी लड़की श्रीमती शीला ने थाना पर एक तहरीर दिया है, जिसमें गांव के 2 लोगों पर संदेह व्यक्त किया कि इन्होंने ही ये घटना कारित की है। उन लोगों को हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जो तहरीर मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पूरी टीम क्राइम ब्रांच सहित 2 थानों की टीम लगा करके इसके अनावरण के लिए हम लोग लगाए हैं और इसकी शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके हम लोग उसका। और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। श्रावस्ती में सरकारी अस्पताल से आई मानवता का श्रमण करने वाली तस्वीर। अस्पताल से बाहर गर्भवती नहीं, गर्भवती महिला नहीं पहुंची एएनएम। अस्पताल के बाहर गर्भवती महिला ने दिया बच्चे को जन्म। एएनएम के पति जिम्मेदार थे, वो कब भगाया गया, कहा मरती है तो मरने दे, नहीं जाएंगे एएनएम। एएनएम के पति ने दाई को भी नहीं जाने दिया, बोला अस्पताल में मालिक। मामला देर रात उप स्वास्थ्य व्यक्ति बहादुर बुरुआ का पीड़ित परिजनों ने जब शिकायत सेवा से की तो सेवा द्वारा बताया गया कि उसकी जांच कराकर फिर कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट एसीएमओ को हमने मार्क कर दिया है, जांच करने पर जो भी दोषी होगा उसका सजा मिलेगी। सर कुछ घर पे भी पता लगता है कि जो घर पे डिलीवरी करवाने के लिए सर आएंगे उनका होगा, सेंटर पे नहीं होगा तो फिर सेंटर चलाने से क्या फायदा, सर उस पर क्या कहेंगे? अब इसका हम जांच करवाएंगे, पता करेंगे क्या हो रहा है। जनपद जालौन में उरई शहर में एक इनामी बदमाश मुखबिर के दौरान पुलिस ने कसा शिकंजा, एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। मामला उरई का है। इनामी बदमाश एनकाउंटर के डर से जान बचाने के चक्कर में नाले में घुस गए। उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। जनपद जालौन उरई शहर में किया गया धरना प्रदर्शन, कलेक्टर के बाहर जमकर लगाए नारे उद्धव ठाकरे के खिलाफ और जाकर ज्ञापन भी सौंपा। इस जम को जैसे कि आप लोग यह देख रहे हैं कि जनपद जालौन उरई शहर में किया गया धरना प्रदर्शन, कलेक्टर के बाहर जमकर लगाए नारे उद्धव ठाकरे के खिलाफ और जाकर ज्ञापन सौंपा एसडीएम को। उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट।